stage. Mr. Lakhan, beautiful filmmaker who on value education for PCG has been very helpful in all our projects. And also, I'd request Mr. Akhan, he has been contributing to PCGT towards developmental HR policy. Mr. Chan, we please have you on stage. Can we hear a big round of applause? All the first position holders there. Kaam hai aapka jor jor se. Thank you so much. Thank you, gentlemen. Thank you. We have a special something for all of you. I would now request Dr. Ratni. My trustees, invited guests and my young friends. Thank you for coming. Unke liye hum kuch kare. Bahut aasan. Bahut hi aasan. इसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि हमें लगता तो मुट्ठी भर है, उसके बाद जो है वो खाम खा हमको संचय करने की आदत सी हो गई है। तो आज वो कल देना है तो आज। मेरे घर में जब काम करने वाले सर है जो काम करते हैं, खाना हम जब बनाते हैं तो हम भी खाते हैं, खाना बनाने के बाद उनको पहले दे दो, ताकि उनको ऐसे ना लगे कि बचा कुचा हम उनको दे रहे हैं, आखिर में तो देना ही है, तो पहले क्यों ना दे। तो उनको बहुत अच्छा लगता है और उसी से तुमको हम क्या करते हैं, अधिक करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस नहीं मल्टीप्लाई करो। प्यार जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ना, जिंदगी में इतना कुछ मिलता है, इतना कुछ सुकून है। मैं तो आज समझता हूं कि दुनिया का सबसे मैं खुश आदमी हूं, इतना अमीर हूं, क्योंकि देने से जो मिलता है ना वो मांगने से नहीं मिलता। सो देना सीखो बच्चों, देने में बड़ा मजा है। By dint of their exceptional talent and hard work, they both have spoken on social and national drought affected villages mein, Bihar mein jab floods hue to kitni madad kari hai aur naam foundation। बहन जी मैं मदद किसी को नहीं करता, मैं अपने आप को मदद करता। आप एक मीडियम बने, मेरे अंदर का इंसान है उसको महफूज, उसको सुरक्षित रखने के लिए और मैं सच कहता हूँ बच्चे, यहाँ किस तरह का प्रोग्राम था मुझे मालूम नहीं था। मैं यहाँ सच में आया हूँ इनके पैर छूने। ये इंसान इतने बड़े हैं हमारे रिबोरो साहब, इतने बड़े हैं। सर मैं सैल्यूट करके यहाँ हाथ वेल्डिंग करना चाहिए, वो जिंदगी भर मेरा हाथ यही रहे। यू आर सच ग्रेट पर्सन मुझे इस तरह का तो प्रोग्राम मुझे मालूम ही नहीं था। बच्चे कौन होंगे, क्या होगा, कैसा प्रोग्राम, क्या है, इसके पहले क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। सिर्फ एक ही जहन में था, ये जरूर मिलेंगे, उनको एक बार झप्पी पानी है और एक नमस्कार करना है। बच्चे भी मिले आपको अभी। ह्यूमिलिटी सीखने चाहिए, ये ह्यूमिलिटी है, ये इनकी हम्बलनेस है जो इनको और बड़ा बनाती है। प्रसून जी ने हमेशा गर्ल चाइल्ड के लिए, विमेन पावर के लिए अपने शब्दों को, अपनी कलम को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, चाहे वो 26/11 हो या निर्भय हो। और जब हमारी बच्चियों ने रियो ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो इन्होंने सब लोगों को यहाँ पे चैलेंज किया कि क्या तुम्हें शर्म आती है। आपने उनकी वो कविता सुनी होगी, उसे आग्रह किया गया था कि कुछ एक दो कविताएं मैं सुना दूं। तो एक गर्ल चाइल्ड की जब बात हो रही है, देखिए कोई, हम यहाँ बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं और मध्यम वर्गीय परिवारों से लाए हुए हर तरह के यहाँ पे लोग हैं। एक सोसाइटी या एक लोकतंत्र या जिसकी हम चर्चा करते हैं, मुझे वो तभी सक्सेसफुल लगता है, तभी वो सफल लगता है जब वो अपने
जो वल्नरेबल जो कमजोर हिस्से हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके, चाहे बूढ़े हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से उतने सक्षम लोग ना हो, शारीरिक रूप से उतने सक्षम लोग ना हो, अगर हम उनका ध्यान नहीं रख सकते तो वो लानत है हम पर, तब हमारी सोसाइटी की कोई वैल्यू नहीं। जब तक इन वल्नरेबल एंड्स का ध्यान, और महिलाएं, मुझे लगता है कि ये वक्त की बात है कि आज हम महिलाओं के बारे में चिंतित हैं और हमको लगता है कि उनको सुरक्षा की आवश्यकता है, कल को ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी रूप में देखिए कभी ऐसा शायद रहा हो, ये पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको बहुत शारीरिक शक्ति की आवश्यकता थी और पुरुष ज़्यादा शारीरिक रूप से सक्षम था, चढ़ जाता था ऊपर ऊपर। आज एक लिफ्ट में जब आप घुसते हैं तो वहाँ एक बटन दबाना होता है, 75वीं मंजिल में चली जाती है, उसके लिए तगड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बुद्धि की छोटी सी आवश्यकता है, वो लड़की और लड़के में बराबर है, वो बटन कोई भी दबा सकता है। तो अब ये भेद नहीं होना चाहिए। और निर्भया को मैंने कह रही है कि बाबुल जी अमोरा घबराए, गुनगुना कर सुना देता हूँ। बाबुल जी अमोरा घबराए, बाबुल जी अमोरा घबराए, बिन बोले रहा न जाए, बोले रहा ना जाए, बाबुल जी अमोरा घबराए, बाबुल मोरी अरज सुन ली जा, मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे जेवर कभी न भाए, बाबुल जी अमोरा घबराए, बाबुल मोरी इतनी अरज सुन ली जा, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राजा, बाबुल रे बाबुल मोरी इतनी अरज सुन ली जा, मोहे लोहार के घर दे दीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो। अरे यार तू इतना बेहतरीन गाता है यार, ये सुर मेरे पास होते तो मैं कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। इसके बाद में आपको जिसकी उन्होंने चर्चा की थी, शर्म आ रही है ना, ये मैंने तब लिखा जब ओलंपिक्स में हमारी बच्चियों ने हमें गौरवान्वित किया, तो मुझे लगा कि हम इस बात पर लोगों को जिन्होंने उसके अस्तित्व को सिर्फ अंधेरों से जोड़ा, शर्म आ रही है ना उन दुपट्टों को, उन लिबासों को जिन्होंने उसे अंदर से तोड़ा, शर्मा रही है ना स्कूलों को, दफ्तरों को, रास्तों को, मंजिलों को, शर्मा रही है ना उन शब्दों को, उन गीतों को जिन्होंने कभी उसे शरीर से ज्यादा नहीं समझा, शर्मा रही है ना आज राजनीति को, धर्म को, जहां बार बार अपमानित हुए उसके स्वप्न, शर्म आ रही है ना खबरों को, ऐसे हर ख्याल को जिसने रोका था उसे आसमान की तरफ देखने से, शर्मानी चाहिए शायद हम सबको, क्योंकि जब मुट्ठी में सूरज लिए नन्ही सी बिटिया सामने खड़ी थी, तब हम उसकी उंगलियों से छलकती रोशनी नहीं, उसका लड़की होना देख रहे थे, उसकी मुट्ठी में था आने वाला कल, और हम सब देख रहे थे मटमैला। सुन जी के लिए अच्छी खबर है, मैंने आज सुबह पेपर में पढ़ा कि हरियाणा में गर्ल चाइल्ड की रेशो 900 के ऊपर चली गई है। बहुत बहुत ही कम लफ्जों में इतना कुछ कह दिया तूने, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। शाला जी देखिए, मैं मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि रिवेरो साहब जिनके ये जितना भी मैं कहूँ उतना कम है, जैसे आपने सही कहा कि उनका नाम सुनते ही एक श्रद्धा अंदर से आई, और एक ऐसा लगा कि जब इस उम्र में वो शख्स सबके सामने खड़े होकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा है आज तक, तो मैं कौन सी चीज हूँ। धन्यवाद। वैसे मैं अकेला कर ही नहीं रहा हूँ, सभी हम मिलकर ही कर रहे हैं। पिछले साल जब ये किसानों के लिए काम शुरू हुआ तो शहर के हमारे जो लोग हैं, आप सभी लोगों ने 60 करोड़ रुपए दिए हैं उनके लिए।
60 करोड़ रुपए दिए हैं और पिछले साल हमने गांव खेड़े में